बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टाफिंग विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 पे स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन को स्टाफिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। और इसको अगर हम कहना चाहें तो जो पहला एक बेसिक सपोर्ट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने उस सपोर्ट फंक्शन में लीगल कंप्लायंस को स्टार्ट किया था। सो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत को और किस तरह से ये लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का आपस का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दीज लॉज। सो ये लॉज क्या हैं और रेगुलेशंस हैं क्या, और फिर इनका बेनिफिट या नीड किसके लिए ज़रूरी है। सो उसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक लॉज एंड रेगुलेशंस। सो एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन बाय बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनते हैं वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में अपनी एक इनपुट दे रहे होते हैं, और ये कब एक्सरसाइज होती हुई नज़र आते हैं, जब आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं और उसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, जिसमें आपका रिक्रूटर या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर इन्वॉल्व होगा और एम्प्लॉई होगा। और इसी में जो हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक डिस्क्रिशनरी एक्शन ज़रूरी है कि मेरा ये रिलेशनशिप कंपनी की तरफ से और मेरी तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर्म किया जा रहा है। So, those employment laws affecting that relationship spring from a need to define the scope of permissible discretion and place limits on it. So, अब क्या हुआ कि ये benefits दे रहा है हमें, किस चीज़ के ऊपर benefit दे रहा है कि जो ये relationship create हो रहा है उसको limitize करता है by certain rules and regulations. So, need for law and regulations एंड द सोर्स ऑफ देम आर एक्सप्लोर्ड। सो ये दोनों चीज़ों को हमने इस लेक्चर में देखने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये नीड ऑफ लॉ क्या है एंड देन द सोर्स ऑफ लॉ हमारे पास क्या नज़र आते हैं। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं नीड ऑफ लॉ के ऊपर कि वट इज़ द नीड फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस। सो पहला एस्पेक्ट जो आपको रिलेट करता हुआ नज़र आता है वो क्या है, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, अब हमारे पास जैसे हमने पहले बात की दो पार्टीज थी, पहली पार्टी हमारे पास एम्प्लॉयर आया और दूसरी पार्टी हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से आ गई। सो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। अब पावर क्या है, पावर बेसिकली अगर हम एक्सप्लेन करें दैट इज़ एबिलिटी किसकी, किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो इन्फ्लुएंस कर सके किसी दूसरे की एक्टिविटी को। दैट इज सो इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ अदर्स इज बेसिकली टर्म्ड एज अ पावर। अच्छा, अब जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नजर आता है वो इन्वॉल्व करता है नेगोशिएटिंग इश्यूज ऑफ पावर। सो एम्प्लॉयर हैज समथिंग डिजायरेबल टू ऑफर द एम्प्लॉय। अब ये क्या हो सकता है, एक जॉब हो सकती है जिसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके सर्टन रिवॉर्ड्स हैं, और द एम्प्लॉय हैज समथिंग टू ऑफर द एम्प्लॉयर, जिसमें उसके पास नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज हैं, उसकी मोटिवेशन टू वर्क है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से बेनिफिट ले सकती हैं। सो द एम्प्लॉयर यूजली हैज द पावर, हैज द अपर हैंड इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप सिंस इट कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड द डेफिनेशन ऑफ जॉब इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स एक्सेस टू जॉब्स वाया स्टाफिंग सिस्टम। सो अपर हैंड किसका आ गया, हमारे पास एम्प्लॉयर का आ गया, बिकॉज उसी ने जॉब क्रिएट करनी है, उसी ने जॉब के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्रिएट करने हैं, उसी ने उससे रिलेटेड रिवॉर्ड देने हैं, स्टाफिंग सिस्टम जनरेट करना है। सो उसी ने मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज को प्लान करना है अमंग द जॉब, जैसे हम कहते हैं कि जी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो हमें शिफ्ट नज़र आ रहा है, एंड द रिटेंशन ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो इस हवाले से आपको एम्प्लॉयर का एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है, जबकि एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दीज प्रोसेस एंड डिसीजंस। सो इट इज़ सेल्डम एज एन इक्वल और अ पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉयर, रीज़न आपसे हमने अभी पहले भी डिस्कस कर दी। सो एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट इन पार्ट टू रिड्यूस और लिमिट ईच एम्प्लॉयर पावर इन द एम्प्लॉयमेंट
रिलेशनशिप। सो ये चीज़ तो हमें क्लियर हुई कि बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए एम्प्लॉयमेंट और का जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर लॉ की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेट करता है वो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। What is the protection of employees? So laws and regulations seek to provide specific protection to employees that they are unlikely to get for themselves in an employment contract. Employment contract जो भी दोनों parties के बीच में हुआ वहाँ पे laws और regulations बुनियादी तौर पे अपना एक role play करते हैं कि employee को protection provide की जा सके इस contract में। जैसे for instance एक lawyer कहता है कि आप किसी employee को instantly निकाल नहीं सकते, अगर instantly अगर आपने उसको remove करना है from the services तो आपको minimum amount pay करनी पड़ेगी उसको इन lieu ऑफ द नोटिस। जैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 माह का नोटिस सर्व करना पड़ता है, 1 माह का नोटिस सर्व करना पड़ता है कि हम आप इस तारीख से हमारे साथ नहीं होंगे। सो उस दौरान वो एम्प्लॉय काम करता है और वो ही कैन सर्च फॉर अनदर जॉब। सो ये एक प्रोटेक्शन मिल गई एंड मेनी मोर लॉज लाइक दिस। सो दीज प्रोटेक्शन पर्टेन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स, इंडिविजुअल वर्क प्लेस राइट्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखें ना, डिस्क्रिमिनेशन के लॉज आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करने देते अपॉन द बेसिस ऑफ जेंडर और अपॉन द बेसिस ऑफ रेशियल या कल्चरल कंस्ट्रेंट्स जो आपके पास आती हैं तो उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द मिनिमम एक्सेप्टेबल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो एग्जांपल्स, मिनिमम वेज एक्ट आपको नजर आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड ओवर टाइम पे एज वेल एज सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। सो ये वो एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर उसको एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बन जाती है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशंस। सो इंडिविजुअल राइट्स की एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें भी कई चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन यूनिलैटरल टर्मिनेशन जो एक साइड से आपको निकाला जा सकता है। सो बार्गेनिंग का प्रोसेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विद द एम्प्लॉइज चलता है, उसकी एम्प्लॉय के राइट्स में उसकी की प्रोटेक्शन किस तरह से की जा सकती है, उसकी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं तो लॉज एंड रेगुलेशंस इन इफेक्ट गारंटी कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट अमंग एम्प्लॉयज। सो हमें क्या मजबूर करता है लॉ के हम एम्प्लॉयज़ को एक तरीक़ेकार से डील कर सकें। सो हायरिंग एंड प्रमोटिंग डिसीजंस फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स, जैसे रेशियल बेसिस के ऊपर या सेक्शुअल या मेल और फीमेल बेसिस के ऊपर आप किसी को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते, यू हैव टू डेवलप नैरेटिव फ्रॉम इट। सो ये तो हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर मिलती है। तीसरा जो इसका एक फैक्टर हमें नज़र आता है वो क्या है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स एज वेल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा था ना कि राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एक तरह से ड्यूटी बाय लॉ बना दी गई एम्प्लॉयर के लिए। अब प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर क्या है, ये उसके राइट्स हैं जो कि ड्यूटी किसकी बनती है, एम्प्लॉय की बनती है और उसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। सो एम्प्लॉयर्स ऑल्सो गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉज एंड रेगुलेशंस। पहला एस्पेक्ट जो आपको नजर आता है वो है दे प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉयर्स एज टू व्हाट आर परमिसिबल प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर इम्परमिसिबल प्रैक्टिसेस। सो कौन सी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉयर को हम एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स में आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन एक्सेप्टेबल हो सकती हैं। जैसे सिविल राइट एक्ट है वो कहता है कि नॉट ओनली forbids certain types of discrimination on the basis of race, color, religion, sex and national origin, but also specifically mentions employment practices that are permitted. So, अब देखें ना, एक law, Civil Rights Act ने आपको कह दिया कि आप discrimination upon the basis of race, color, religion, etc. नहीं कर सकते, और specifically mention भी कर रहा होता है ये law कि which are the acceptable employment practices for the employee or employer. So one of those practices is the use of professionally developed ability test, a practice that has major implication for external and internal selection. तो अब अगर हम रिक्रूटमेंट के डिसीजन के ऊपर देखें तो ये लिमिटाइज किसको कर रहा है,
उस प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल डेवलप्ड एबिलिटी टेस्ट हैं, जैसे ये एक प्रैक्टिस है कि इसकी मेजर इम्प्लीकेशन आपको नज़र आती है ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन के हवाले से। सेकंड एस्पेक्ट पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लॉ आर क्लैरिफाइड थ्रू मेनी एवेन्यूज, उसमें कोर्ट के डिसीजन आते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इसको गाइडलाइन दे रही होती है, इनफॉर्मल गाइडेंस फ्रॉम इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स एंड नेटवर्किंग विद अदर एम्प्लॉयर्स, ये सारे वो चीज़ें हैं कि जो कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को क्लैरिफिकेशन को गाइड कर रहे होते हैं। सो द रिजल्ट इन इज इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑन वट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस विद द लॉज एंड दिस अलाउज द एम्प्लॉयर टू इम्प्लीमेंट नीडेड चेंजेस विच देन बिकम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन स्टाफिंग सिस्टम। सो इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम डबल ए पीज हैव बिन डेवलप्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द स्टाफिंग मेन स्ट्रीम फॉर मेनी एम्प्लॉयज, कि वो कौन से एक्शन हैं जिसको हम कन्फर्म कर रहे होते हैं एक तरह से कि दीज आर लॉफुल प्रैक्टिस जो कि एम्प्लॉयर के राइट्स के तौर पर सामने आती हैं। सो ये तो हमने इसको यहाँ पे कंक्लूड किया कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के नीड्स आ जाती हैं, जिसमें हमने तीन नीड्स के ऊपर बात की है। पहली है कि व्हाइल लॉ इज नीडेड फॉर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द टू पार्टीज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दूसरी चीज़ नज़र आती है दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के हम एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और तीसरी चीज़ हमें नज़र आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरे पोर्शन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ये जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे पास नज़र आते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, इसके सोर्स क्या है, कहाँ से ये बने। न्यूमरस सोर्सेज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्न द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, और इसमें आपको एग्जांपल्स भी नज़र आती हैं, बट क्योंकि बिकॉज दीज आर द अमेरिकन लॉज तो हम उस तरह से उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सो जनरली जो लॉज की आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन नज़र आती है वो पहला एस्पेक्ट है दैट इज़ द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ है क्या, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि विच हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लैंड, और ये कोर्ट मेड लॉ है एज अपोज टू लॉ फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज द स्टेट। सो बुनियादी तौर पे जो कोर्ट्स हैं वो इस लॉ को क्रिएट करते हैं विच इज़ टर्म्ड एज अ कॉमन लॉ, यानी जो स्टेट के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते। सो इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द केस बाय केस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट विच डिटरमाइन ओवर टाइम। जैसे अब कोई ग्रे एरिया था जिसके ऊपर मैंने कोर्ट में केस किया, उस कोर्ट का डिसीजन आ गया, सो विच डिटरमाइन ओवर टाइम। जैसे अब एक एग्जांपल ले रहे हैं ओवर टाइम परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल प्रैक्टिसेस, कि किस हद तक हम ओवर टाइम लगा सकते हैं, कितना नहीं लगा सकते, उसकी पेमेंट्स कैसे होगी या उसको हल हमने कैसे करना है, तो उसकी बेस के ऊपर जो कोर्ट डिसीजन आए वो कोर्ट डिसीजन अब बाकियों के लिए भी उसी तरह से इम्प्लीमेंटेबल हैं कि बाकी एम्प्लॉयज भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने बेनिफिट्स सीख कर सकते हैं। सो हैवी रिलायंस आपको नज़र आती है कॉमन लॉ इन प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश्ड इन प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस, क्योंकि पहले कोर्ट डिसीजन में ये हुआ तो आगे जो डिसीजंस हैं वो उसी के मुताबिक होंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन लॉ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाय किया जाता है टू गेट सर्टन गाइडलाइंस। सो ईच अब ये यहाँ पर अब अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि वहाँ की जो स्टेट्स हैं वो डेवलप करती हैं और एडमिनिस्ट्रेट करती हैं देयर ओन कॉमन लॉ जो कि वहाँ के कोर्ट डिसीजंस के हवाले से आता है। देन हमारे पास कॉमन लॉ के बाद दूसरा जो सोर्स नज़र आता है, जैसे आप ये एग्जांपल हल्की सी देखते हैं लेकिन इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे कॉमन लॉ में एम्प्लॉयमेंट एक्ट विल वर्क प्लेस, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, स्टैचुटरी लॉ है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एजेंसीज आपको नज़र आ जाती हैं। सो ये हमारे पास एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ नज़र आते हैं। दूसरा हमारे पास जो सोर्स नज़र आ रहा है इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिकली डिराइव किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के हवाले से है तो यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, जिस तरह पाकिस्तान में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स द लॉ विच इज डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट। जैसे
आईन पाकिस्तान, तो उसमें जो हमारी प्रैक्टिसेस बनती हैं उसी के मुताबिक जो अदर लॉज क्रिएट किए गए होते हैं। सो ये सुपरसीड करता है एनी अदर सोर्स ऑफ लॉ और रेगुलेशन। सो मेजर एप्लीकेशन इज इन द एरिया ऑफ पब्लिक एम्प्लॉय राइट्स, पार्टिकुलरली देयर ड्यू प्रोसेस राइट्स, क्या आपको नज़र आते हैं। देन हमारे पास तीसरा सोर्स जो नज़र आता है वो क्या है, ये है हमारे पास स्टैचुटरी लॉ। स्टैचुटरी लॉ बेसिकली डिराइव किया जाता है फ्रॉम रिटन स्टैट्यूज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज। दीज बॉडीज आर फेडरल, स्टेट एंड लोकल। सो इसी तरह से जैसे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बता दिया गया, इसी तरह से हमारे पास ये स्टैचुटरी लॉज जो क्रिएट किए जाते हैं ये सर्टन लेजिस्लेटिव बॉडीज कर रही होती हैं, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास नेशनल असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, तो वहाँ पे स्टैचुटरी लॉ आपको बनता हुआ नज़र आता है। लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल के तौर पे पेश किए जाते हैं और एक्सेप्ट होते हैं। सो लेजिस्लेटिव बॉडीज मे क्रिएट, अमेंड एंड एलिमिनेट लॉज एंड रेगुलेशंस, सो दे मे आल्सो क्रिएट एजेंसीज टू एडमिनिस्टर एंड इन्फोर्स द लॉ। सो दोनों कॉन्टेक्स्ट के लॉ को क्रिएट करना एंड देन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज को क्रिएट करना, सारा इसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होता है। देन चौथा हमारे पास जो सोर्स नज़र आता है दैट इज़ एजेंसीज। अब एजेंसीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं एट द फेडरल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। ये एजेंसीज क्या करती हैं, इनका बेसिक चार्ज है, बेसिक चार्ज क्या होता कि ये इंटरप्रेट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट करती हैं और इन्फोर्स कर रही होती हैं लॉ को। एट द फेडरल लेवल टू मेजर एजेंसीज ऑफ कंसर्न टू स्टाफिंग आर द DOL एंड EEOC। ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है जैसे, सो हम इसको उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे होते। सो एजेंसीज बेसिकली क्या करती हैं, रिलाई करती हैं हैवली ऑन रिटन डॉक्यूमेंटेशन, और वो जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यूज़ किया जाता है इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। सो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आर वेरियसली रेफर्ड टू एज रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स। सो ये चार चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस भी किया जाता है कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द रेगुलेशंस, व्हाट आर द गाइडलाइंस एंड व्हाट आर द पॉलिसी स्टेटमेंट्स। सो इसमें भी थोड़ा सा आपको, रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड इन द फेडरल रजिस्टर एज वेल एज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस एंड दे हैव द वेट ऑफ law. So policy statements are somewhat more benign in that they do not have the force of law. So policies जो सी हैं वो इन्हीं laws से जो create की जाती हैं, वैसे हमने कहा rule, regulations और guidelines, so उसको law का status हासिल है और उससे आप policy devise कर सकते हैं जिसको उतना बैकअप विद द कोर्ट, उस तरह से आपको फोर्स ऑफ लॉज नहीं मिलती है। सो द डू हाउएवर रिप्रेजेंट द एजेंसीज ऑफिशियल पोजिशन ऑन अ पॉइंट और क्वेश्चन। सो ये हमारे पास बने जी चार सोर्सेज ऑफ लॉ, इसी को हम कंक्लूड करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो चार नज़र आते हैं। पहला सोर्स है हमारे पास कॉमन लॉ, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तीसरा स्टैट्यूटरी लॉ और चौथा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एजेंसीज। सो किसी भी फॉर्म के हवाले से जो स्टाफिंग लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसमें इन लॉज की कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आती है। सो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं जहाँ पे हमने नीड ऑफ लॉ को देखा और देन सोर्सेज ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वी वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो वंस अगेन थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।